नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परनय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। झरिया के नेहरू पार्क में दो दिन से जो एनआरसी और सीएबी के खिलाफ धरना चल रहा था, आज दूसरा दिन है और समापन है। आइए यहां लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आज जो दूसरा दिन का धरना समापन किया गया है और कैसा आगे आंदोलन चलेगा, आइए सुनिए। हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चलेगा। हमारी सिर्फ मांग है, हमें एक वन नेशन थ्योरी चाहिए, हमें एक राष्ट्र चाहिए जहाँ पर हम बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक रह सके। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें जो इतनी अशांति फैली हुई हमें वो नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें भारत में शांति चाहिए और हमें एक खुशहाल भारत चाहिए। ये NRC CA CAB जो भी है, जिस भी मोटिव से लाया गया है, उस मोटिव को आप लोगों के सामने क्लियर करिए। अगर आपका मोटिव सही है तो आप लोगों को बताइए, लोग अगर नहीं समझ रहे समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपका मोटिव सही है, तो आप हमें समझाने की कोशिश करिए। और बस मैं यही अपील करूंगी कि लोग शांतिपूर्वक जितने भी प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्वक करें, और आगे भी हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम इस कानून का मायने नहीं समझ आए। जिस दिन हम समझ जाएंगे हमारा धरना बंद हो जाएगा। क्या नाम आर पर कोई एडवांटेज नहीं है, कोई फ्रूटफुल एडवांटेज। क्यों विरोध कर रहे हैं ये जो अनपढ़, जो हमसे पूछेंगे कि तुम पागल है तो तुम क्यों यहाँ आके। 80,000 करोड़ रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। बंदी में जो हमें प्रॉब्लम हुआ था, क्या वो फिर से उठाने के लिए तैयार है? अगर हम लोग क्या देते हैं कि हम लोग 2025 में से पूरा करेंगे, 2030 में पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है, हम लोग मलेरिया क्यों नहीं 2030 वो काम हम लोग क्यों नहीं कर सकते दूसरे क्षेत्र में? क्यों हम लोगों को ये CA NRC लाना? ये उद्देश्य का भारत का संविधान है, उसका कोई भी उसका रिलीजन नहीं हो, कोई भी उसका धर्म, एक धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, ये भी उनको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ने संविधान नहीं है माना शब्द है। हम लोग उसी के तौर पे चलेंगे और कोई भी चीज और कोई भी धर्म का किताब हमें नहीं सिखाएगा कि हमारा देश कैसे चलेगा। हमें एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बनना है। हम जिस बात को लेकर पाकिस्तान को कभी आबादी कहा है बताइए, सबसे ज्यादा आबादी है इंडोनेशिया। कानून पारित होगा, धर्म के आधार पे कानून पारित होगा तो ये हमारा घर, हमारे देश की खासियत देखिए कि इसराइल जिससे मुस्लिम समाज, हम यही कहना चाहते हैं कि ये भारत हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और ये सदा ही शांति चाहता है। और दूसरी बात क्या है कि जब भारत को आज़ाद करने के लिए समय आया था तो सारे धर्मों के लोगों ने अपना खून बहा के भारत को आज़ाद किया था। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वो जनता उसको चुन के केंद्र में भेजती है और वो प्रधानमंत्री जो होता है वो जनता के हितैषी होता है। और अगर कोई कानून पास करता है तो जनता के विरुद्ध है, तो जनता उसकी संशोधन करना चाहती है कि ये जो है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये चीज़ नहीं लागू किया जाए, इसके ऊपर संशोधन किया जाए। और अगर वो सही में जनता का हितैषी है तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सभी जगह हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उसको खुलेआम से निमंत्रण दे कि हम जगह देंगे आपको रहने के लिए अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा। लेकिन मेरे भारत में कोई भी नागरिक
के साथ हम अत्याचार नहीं होने देंगे। वो मेरा नागरिक है और मेरा नागरिक रहेगा। हम बाहर के लोगों का निमंत्रण देते हैं। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। कार्यक्रम अंजाम दिया गया। यहाँ आज काफ़ी लोगों का उत्साह देखा गया। बच्चे के, औरतों के, नौजवान के, सारे लोग नहीं लगा। और इस लड़ाई उस वक्त तक जरूर है जब तक ये काला कानून खत्म हो। मैं इस मंच से, इस संस्थे और इस पत्रकार के लोगों द्वारा अपनी बातों को सरकार से पहुँचाता हूँ कि जल्दी इस कार्य इस एक्ट को वापस लिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन किसी रूप तक जाएगा। जिस तरीके से लोगों का साफ कहना है ये काला कानून को वापस लीजिए, नहीं तो आगे आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। कैमरामैन आदिल जफर के साथ एहसान सानी के साथ और बड़े बड़े जो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के समाज से ना लीडर को बोला सवाल करते अपल सब सवाल कहाँ से भूल जाइएगा। पूरा देश को यहाँ परेशान कर रहा, पूरा देश परेशान है, पूरा देश में सब आदमी परेशान है। जहाँ 600 से 1200 रुपये हो गया तो उसका कहाँ से लाएंगे? तो बेचारा कुछ इसको हटाइए, पूरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब देश बर्बाद। रोजगार नहीं मिल रहा, 15 लाख का वादा किए आप तो हम तो तुम तमिलनाडु एक नंबर कर देंगे, उत्तर प्रदेश में गुजरात एक नंबर कर देंगे। भैया यहीं पर तो आप भेदभाव किसको करिएगा? तमिलनाडु को करिएगा, केरल को करिएगा, अब जम्मू कश्मीर को एक नंबर किया किसको करिएगा? तो आप तो जो बात बोल रहे हैं आपकी बात ही विरोधाभास है, आपका बात ही जो है विरोधाभास है। आप कुछ बोलते हैं, गृहमंत्री जी कुछ बोलते हैं, गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री है ना सब अलग अलग तरीके का बात करते हैं। विरोधाभासी खुद है। और अल्पसंख्यक कहना बंद करें। हिंदू का दिल में सारे जहाँ से मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू। देखेंगे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन की जिसका वादा है, वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा देखेंगे, लाजिम में है कि हम भी देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम में है कि हम भी ये धरती धड़ धड़केगी। और अहले कर और अहले हुक्म और अहले हुक्म के सब ऊपर जब बिजली कड़कड़े कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के उठाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब पुत्ते उठाए जाएंगे, हम अहले सफा मर्दूद हैं।
अल्लाह का बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी है हाजिर भी है, जो गायब भी है हाजिर भी है, जो मंजर भी है नाजिर भी है। उठेगा अल-हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और राज करेगी खुल के खुदा, और राज करेगी खुल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, है कि हम भी देखेंगे। जिसका वादा था वो दिन की, जिसका वादा था लाजिम है हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। आइए दोस्तों, लाखनास में एक इंकलाबी नारा लगाऊंगा, आप हमारे साथ थे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो नब पड़ी है देखेंगे हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये नज़्म 1985 ईस्वी में लिखी गई थी। फैज़ अहमद फैज़ इसके रचयिता हैं, वो इसके शायर हैं, और उस वक्त वो जेल में थे। और उस समय के डिक्टेटर ने, जाउल हक ने उनको अरेस्ट किया था और फांसी की सजा दी थी, उस जेल में उन्होंने लिखा था। आज इसमें एक लाइन है, इस अर्ज़ खुदा के काबे से जब बुत उठवाए जाएंगे, अर्ज खुदा के काबे से जब बुत उठवाए जाएंगे, तो कुछ लोगों ने बुत का मतलब हिंदुस्तान में समझा और केस भी कर दिया है इस गीत पर, इस नज़्म पर। तो साथियों, अर्ज खुदा मैंने जमीन जो है ये ईश्वर की सृष्टि है, और यहाँ पर जो बुत यानी जो घमंडी लोग हैं, जो तानाशाह लोग हैं, उनकी तरफ इशारा है इस कविता में। मैं आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।